हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, या फिर ऐसा कहूं कि जिस ब्रांड की बात करने वाले हैं, इसके बहुत से प्रोडक्ट आपने भी यूज किए होंगे और हम डेली लाइफ में इस ब्रांड के बहुत से प्रोडक्ट को यूज करते हैं। चलिए मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, गुड फूड गुड लाइफ। कुछ याद आया? जी हाँ, नेस्ले। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेस्ले कंपनी का इतिहास और इससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें बताऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इंस्पिरेशन हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक कंपनी नेस्ले की। नेस्ले दुनिया का 54th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है और फोर्ब की लिस्ट में इस कंपनी को 33वां स्थान मिला है। वहीं 2014 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में इस कंपनी को 72वां स्थान मिला था। जब भी हम नेस्ले की बात करते हैं तो आपको इसका लोगो जरूर याद आता होगा। इसके लोगो में टाइम के साथ काफी बदलाव किए गए। नेस्ले कंपनी के मालिक हेनरी नेस्ले, जो कि एक फार्मिस्ट थे, उन्होंने पहला बेबी प्रोडक्ट बनाया जिससे ये कंपनी शुरू हुई। और जब इसके लोगो रखने की बात आई तो हेनरी नेस्ले ने अपना ही नाम रखा। दोस्तों, नेस्ले एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल नेस्ट, और इसके लोगो में ये बात जाहिर भी होती है। एक छोटे से घोंसले में एक मादा पक्षी अपने 3 बच्चों को भोजन खिला रही है। टाइम के साथ इसके लोगो में काफी बदलाव आए, लेकिन सबसे बड़ा चेंज तब आया जब इसके लोगो में 3 छोटे पक्षियों की जगह 2 छोटे पक्षी कर दिए गए, और ये टाइम था 1988 का। 2015 में भी इसके लोगो में थोड़ा चेंज किया गया और वो डिजिटल डिवाइस में आसानी से पढ़ा जा सके उस लायक बनाया गया। ये जो नीले रंग में लोगो है, ये इसका फाइनल लोगो है जो हाल फिलहाल चल रहा है। दोस्तों, हम डेली लाइफ में बहुत से नेस्ले के प्रोडक्ट यूज करते हैं, पर आपको पता है इस कंपनी के कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं? 8000 से ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कंपनी के 8000 प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग कंट्रीज में सेल होते हैं। और इनके प्रोडक्ट में ये सब चीजें हैं जैसे कॉफी, डायरी प्रोडक्ट, बेबी फूड, पेट फूड, कन्फेक्शनरी, बोटल्ड वाटर, आइसक्रीम और ब्रेकफास्ट फूड। चलिए इससे हट के मैं आपको बताता हूँ, नेस्ले इतना बड़ा ब्रांड है कि इसके और भी बहुत से छोटे छोटे ब्रांड हैं जिन्हें हम सब ब्रांड्स कहते हैं, जिसमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं। और उन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में कुछ खास हैं जो आपने जरूर यूज किए होंगे, जैसे कि नेस्क्विक, वीटल, स्मार्टीज, नेस्कैफे, किटकैट, मैगी। जी हाँ, मैगी भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। कुल मिला के नेस्ले के पोर्टफोलियो में 8000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जो कि 194 कंट्रीज में सेल होते हैं। दोस्तों, नेस्ले एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पर यह शुरुआत से ही बड़ा नहीं बना। इसने बहुत से चेंजेस किए हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड में से एक बन गया। नेस्ले ने बहुत मुनाफा भी कमाया है, लेकिन इसके मुनाफे की शुरुआत तब से ही हो गई थी जब ये शुरू हुआ था 1868 में। हालांकि 1938 और 1940 के बीच इस कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, जो $20 मिलियन से $6 मिलियन हो गया। और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कंपनी ने डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी फैक्ट्रीज भी खोली, और बाद में इनका प्रोडक्ट नेस्कैफे लॉन्च हुआ, जो कि नेस्ले का कॉफी प्रोडक्ट है, जिसने यूएस के मिलिट्री में धूम मचा दी। और तब से कंपनी ने मुनाफा कमाना शुरू किया, या फिर ऐसे कहें कि इसका मुनाफा बढ़ता ही गया। दोस्तों, कोई भी कंपनी बड़ी तब बनती है जब वो अपने ऑपरेशंस में सुधार करे या फिर छोटी कंपनियों को खरीदे, और नेस्ले ने भी यही किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब नेस्ले ने एक डायनेमिक फेज में अपने कंपनी की डेवलपमेंट की। उन्होंने बहुत सी छोटी कंपनियों को खरीदा, जैसे कि 1947 में मैगी, 1950 में क्रॉस एंड ब्लैकवेल, 1963 में पिंडस, 1971 में लिबी, 1977 में एल्कन लेबोरेटरी, 1988 में राउंड ट्री मैकिंटॉश, जिससे इनको राइट्स मिले किटकैट, स्मार्टीज, इस तरह की चॉकलेट्स बनाने का। इस तरह कंपनी को खरीदना अभी भी जारी है, और देखते ही देखते नेस्ले ब्रांड से एक मेगा ब्रांड बन गया है।
हाल फिलहाल इसने अमेरिका की बड़ी कंपनी शेफ अमेरिका को भी खरीदा है और 2017 में इसने 5 कंपनियों को और खरीदा है। खरीदी हुई कंपनियों से हटके अगर नेस्ले ब्रांड की तरफ देखा जाए तो इसका रेवेन्यू 89.46 बिलियन डॉलर है और इस कंपनी में जो कि अलग अलग कंट्रीज में है करीब 3,40,000 लोग काम करते हैं और यही इसे दुनिया की 54th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में शुमार करती है। कोई भी कंपनी बड़ी तब बनती है जब वो टाइम के साथ चेंज करे और नेस्ले ने भी यही चेंज टाइम पर किया। 2010 में नेस्ले ने अपनी वर्किंग फोकस को प्रोडक्शन से न्यूट्रिशन की तरफ शिफ्ट किया जिसमें उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाने का दावा किया जो कि न्यूट्रिशन हेल्थ और वेलनेस के लिए हो। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि नेस्ले ही एक ऐसी कंपनी है जो हर साल $1 बिलियन से ज्यादा खर्च करती है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जिसमें वो नए प्रोडक्ट पर शोध करती है और मल न्यूट्रिशन डायबिटीज डाइजेस्टिव हेल्थ ओबेसिटी और भी बहुत सारी डिसीजेस के खिलाफ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे लोगों का भी फायदा हो सके जिसमें ड्रिंक्स और प्रोटीन शेक आते हैं। और यही कोशिश इसके स्लोगन को भी सच करती है गुड फूड गुड लाइफ। कैसी लगी वीडियो? पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।